नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज टमाटर का झटपट बनने वाले सब्जी के लिए फ्रेश टमाटर प्यूरी बनाना बताऊंगी। इसके लिए लाल लाल टमाटर लेंगे और इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद इसका जो पीछे वाला आँख, ये जो बोलते हैं इसे, जिसे मैं काट रही हूँ इसको आँख बोलते हैं, इसे चाकू की मदद से गोल गोल घुमाते हुए निकाल लेना। इसी तरह सारे टमाटर का निकाल लेंगे पीछे वाला भाग। अब प्लस का साइन देते हुए कट्स लगा देंगे इस तरह से। अब इसमें डालेंगे एक मिर्च, अब डालते हैं अदरक, अब डाल देंगे लहसुन 4 से 5 कली, और इसमें डाल देंगे 1 कटोरी पानी। अब इसका लीड लगा के अब इसे गैस पे चढ़ा लेते हैं और एक सीटी लगा लेंगे इसको। एक सीटी लग गया और प्रेशर खुद ब खुद निकल गया। अब इसे इसका ढक्कन खोल लेते हैं और टमाटर का जितना भी छिलका है उसे निकाल लेंगे। देख सकते हैं छिलका सारा खुद ब खुद छोड़ दिया है। अब चम्मच या हाथों की मदद से निकाल लें। अभी टमाटर गर्म है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है छिलका निकालने में। आप थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा तब निकालिएगा। ठंडा होने के बाद आराम से निकल जाएगा छिलका, हाथों में भी भाप नहीं लगेगा। इस तरह से सारा टमाटर का छिलका निकाल लेंगे और इसे ठंडा करके पीसेंगे। चलिए इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल लेते हैं। सभी को ले लेंगे, टमाटर, लहसुन, मिर्चा, अदरक सभी को ले लेंगे। ऐसे फाइन एक पेस्ट बना लेंगे। ये सब्जी को टेस्ट को बढ़ा देता है। इस तरह से अगर आप प्योरी बना के फ्रिज में रख लें, जब भी आप सब्जी बनाएं तो तुरंत आपका टमाटर का प्योरी तैयार रहेगा। आप सब्जी में डाल के अपना सब्जी झटपट तैयार कर सकते हैं। चलिए इसे पीस लेते हैं। देखिए पीस के लिए आए हैं। आप इसे फ्रिज में रख के 1 सप्ताह तक यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं फाइन पीस किया है। अब इसे निकाल लेते हैं कटोरी में। इस तरह से टमाटर के प्यूरी झटपट तैयार कर ले और फ्रिज में रख ले और इस्तेमाल करें सब लोग। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह का और वीडियो से, तब तक आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।